पता मोंटू बॉस कब से वीडियो गेम खेल रहा है, छोड़ो ना इसे, चलकर आइसक्रीम खाते हैं। सॉरी ठीक नहीं चल सकता। हाँ मेरा मोबाइल गिरा दिया, मेरा गेम खराब हो गया। तेरी तो वो मनीष का मुझे गलती से धक्का लग गया, इसलिए मैं उसको थप्पड़ मारने वाला था। तुम मनीष को थप्पड़ मारने वाले थे? जरा हमें भी तो बताओ कैसे। दोबारा किसी बच्चे को परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। बालवीर जी हमेशा मेरी बैंड बजाते हैं। हाँ ऐसी कोई चीज होगी जिससे मैं बालवीर जी की बैंड बजा सकता। लेकिन बालवीर जी का बैंड बजाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बच्चों का खेल। खेल 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 में बालवीर जी का बैंड बजा सकते हैं। तो मैं एक वीडियो गेम जीनियस को जानता हूँ, मेरा कजिन भाई शॉर्ट, वो मेरी मदद करेगा वीडियो गेम में बालवीर की बैंड बजाने में। शौर्य ब्रो, चिट्टू ये है मेरे कजिन शौर्य का रूम, है ना एकदम कूल और टेक्नो। चिट्टू तुझे पता है, तुझे शौर्य से मिलेगा ना तब तुझे पता चलेगा कि हम दोनों ना एकदम अलग है। आपका मतलब है बॉस की वो मोटा नहीं है, उसका दिमाग तेरे साथ छोटा नहीं है। मुझे वीडियो को सताने में मजा आता है और उसको वीडियो गेम बनाने में मजा आता है। मैं स्कूल में वीडियो की बैंड बजाता हूँ और ये वीडियो गेम में सुपर हीरोज की बैंड बजाता है। चिट्टू अब तो उसको मिलेगा। शौर्य ब्रो, यो ब्रो, व्हाट्स अप ब्रो, ब्रो चिट्टू ये मेरा कजिन शौर्य। हे हाय ब्रो, कूल ब्रो। सो व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या बताऊं ब्रो, बहुत बुरा हाल है, बालवीर का कुछ करना पड़ेगा। तू अभी भी बालवीर से डरता है? अबे ये सुपर हीरो वीरो कुछ नहीं होते हैं। देख इन्हें सुपर हीरो हम बनाते हैं। तो असली हीरो कौन हुआ? हम। और तू तो जानता है ब्रो कि मुझे सुपर विलेंस पसंद है और मैं सुपर विलेंस को ही हीरो मानता हूँ। हाँ हाँ हम भी विलन को ही हीरो मानता है। हाँ दैट्स कूल ब्रो, क्योंकि असली में तो विलेंस ही मजेदार होते हैं। मोंटू ब्रो, हाँ? मैंने तेरे लिए एक सुपर कूल टेक्नो गेम बनाई है। हाँ? जिसमें तू विलेन होगा और बालवीर को अपनी उंगलियों पे नचाकर हीरो से जीरो बना सकता है। चल दिखाता हूँ। हाँ? आजा ब्रो, लेट्स गो। ये देखो इस गेम का नाम है द एंड बालवीर। वाह ब्रो क्या मजेदार गेम बना है, अब इससे मैं बालवीर जी काय का जी उस बालवीर की तो मैं बैंड ही बजाऊंगा। देखो इस गेम में बालवीर दौड़ता रहेगा
और उसके पीछे भागता रहेगा मेरा बनाया हुआ ये डायनासोर। और अब जब तुम्हारा मन करे कि डायनासोर को तुम बालवीर को खिला दो तो बस ये बटन दबा देना। बालवीर तो गया काम से। वाह ब्रो, तूने तो मेरी लाइफ बना दी। और थैंक यू ब्रो, थैंक यू। कूल इट चल। थैंक यू सो मच। कूल इट ब्रो। अब जब भी मेरा दिल करेगा ना, मैं एक गेम का बटन दबा दबाकर बालवीर की बैंड ही बजा दूंगा। ब्रो, ये गेम जल्दी से मेरे सेलफोन में ट्रांसफर कर देना। ये तो वाकई में कमाल का वीडियो गेम है। थोड़ा सा फेरबदल करके इसे असली में बालवीर को समाप्त किया जा सकता है। मुझे ये बात प्रचंडिका को बताना चाहिए। बंद करो, क्यों बेकार का शोर मचा रहे हो। दिखाने आपको, देखकर जिसे दोगी आप मुझे शाबाशी। बकवास बंद करो अपनी, दिखाओ क्या दिखाना चाहते हो। ये देखिए है एक वीडियो गेम। ये मामूली वीडियो गेम दिखाने के लिए तुम इतना शोर मचा रहे थे। प्रचंडिका, है नहीं ये कोई मामूली वीडियो गेम है, कहते इसे बनाया जिसे मोंटू के चचेरे भाई शोरिया ने। जरा देख तो लीजिए आप इसे। ये देखिए, वीडियो गेम है तो बहुत बढ़िया वीडियो गेम। लेकिन इस वीडियो गेम के नकली बालवीर को चोट पहुंचाकर क्या हासिल होगा मुझे? हाँ, अरे प्रचंडिका, नकली बालवीर नहीं, सोचिए अगर किसी भी तरह आ जाए कार्टून बालवीर की जगह असली बालवीर इस वीडियो गेम में तो होगा क्या? अंत होगा बालवीर का। वाह तबा तबा, प्रचंडिका तुम्हें इसका इनाम जरूर देगी। अरे तू सोच क्या रही हो प्रचंडिका, बना दीजिए मुझे इस प्रचंड लोक का प्रधान। बेकार के काम बाद में करेंगे श्री श्री प्रधान तबा तबा जी। पहले चलो शौर्य के पास। अरे प्रचंडिका, है क्या जाने की जरूरत, अब चलाइए कोई जादू। वार दिमाग का होता है तो और भी ज्यादा खतरनाक होता है तबा तबा। और ये वीडियो गेम शौर्य के दिमाग से निकले तो शौर्य ही बालवीर को इस वीडियो गेम में लाकर उसका अंत करने में हमारी मदद करेगा। प्रचंडिका, लेकिन जाएंगे हम शौर्य के पास ये ऐसे? मोंटू क्या कर रहा है? ये दिखाई नहीं देता, गेम खेल रहा हूँ। मोंटू, ये बालवीर वाली गेम किसने बनाई है? अरे वो मेरा एक कजिन भाई है, यो शौर्य, इसने ये गेम बनाई। बड़ी मस्त गेम, बालवीर की बैंड बजाने में तो और मजा आ रहा है इसमें। इजी तो मुझे पनिशमेंट देते ना, रुक छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अरे तुम मुंह क्या देख रही है मेरा? टाइम वेस्ट मत कर मेरा, भाग इधर से।
मेरे को बालवीर की बैंड बजाने दे। अरे जा। तेजी तो तूने मुझे बहुत परेशान किया बालवीर, तेजी छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। डूब तेजी तो डूब पानी में डूब। अब इस मोंटू के साथ मैं खेल खेलूंगी। मोंटू बाल से की? हाँ मैं। अगर तुमने बालवीर को हराने की गेम दोबारा खेली तो कभी नहीं खेलूंगा। अरे खेलना तो दूर की बात, अभी कभी डिलीट ही कर देता हूं इसको। देखो ये देखो डिलीट कर दिया। क्या गो 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 शौर्य ब्रो। अरे मोंटू ब्रो हाउ आर यू ब्रो? क्या हुआ गेम में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं प्रॉब्लम तो भी बालवीर को होने वाली है, हम तो उसकी बैंड ही बजाने वाले। अरे ब्रो मैं तुम्हें किसी से मिलाने के लिए लाया हूँ। ये तुम्हारा गेम खरीदना चाहती है क्या? बात कर रहा है। हाय हाय शौर्य, मैं इंटरनेशनल गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ। तुम्हारा गेम बालवीर द एंड, मोंटू जैसे लोग जो बालवीर को पसंद नहीं करते उन्हें ये गेम खेलने में बहुत मजा आएगा। आफ्टर ऑल लोगों को पता चलना चाहिए कि सुपर हीरो जैसा कोई होता ही नहीं। ना मजा ही नहीं आएगा, ये गेम रॉक कर देगा, किल कर देगा मतलब। अरे आप आइए ना, बैठिए ना प्लीज, आइए आइए। मोंटू ब्रो सेट। हाँ हाँ बोलिए। इस गेम को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे पास एक आइडिया है। हम चाहते हैं कि हम खुद बालवीर को इस गेम में असली प्लेयर बना कर लाएं। ये तो अमेजिंग आइडिया है, ये तो रॉक कर देगा। लेकिन तुम ऐसा गेम बना पाओगे ना? वो क्या है ना, तुम्हें एक बहुत खतरनाक गेम बनाना पड़ेगा। बालवीर को हरा पाओगे। ओ हेलो, शौर्य इज अ रियल गेमिंग रॉकस्टार। मैं बालवीर को भले ही असली जिंदगी में ना हरा पाऊं, लेकिन इन दिस गेम बालवीर इज गोइंग टू बी अ लूजर। इंटरेस्टिंग, आई लाइक। तो डील? या मैं भी इस गेम पर वर्क स्टार्ट कर देता हूं, मैं आर्टिस्ट लेकर आता हूं। ये तो मान गया गेम में बालवीर की चटनी बनाने के लिए, पर बालवीर कैसे मानेगा? वो भी मानेगा, जरूर मानेगा। ये यंत्र लो और बालवीर के सामने ले जा और ये लाल बटन दबा देना। इस बटन के दबाते बालवीर अपने आप इस गेम में खींचा चला आएगा। अरे आ जाएगा, और जब वो बाहर आएगा ना तब मेरी हालत खराब करेगा। तुम तो हमेशा नहीं आ पाएगा बालवीर बाहर। ये भवंडर बालवीर से उसकी जादुई शक्तियां छीन लेगी जो उसे इस गेम को जीतने के बाद ही मिलेगी। इस यंत्र के कारण इस गेम में बालवीर अपनी शक्तियों को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और शौर्य बालवीर की बैंड बजा देगा। बस करो, जाओ यहां से। हाँ भेजना अगर मुझे बालवीर को इसी वीडियो गेम में तो
बनना पड़ेगा मुझे इस बेचारे का बच्चा। वाह तो वाह तो वाह वाह। अरे क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? बालवीर देखो ना, किसी ने बालवीर की एंड वाली गेम बनाई है। ये गेम बहुत बैड है, मुझे गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। और मुझे बच्चों का रोना पसंद नहीं है, इसलिए चुप हो जाओ। और देखो गेम तो ऐसे ही बनती रहेगी, मैं उसे बनने से थोड़ी ना रोक सकता हूँ। पर इस गेम में वो हमारे बच्चों को बचाने वाले बालवीर को हरा रहे हैं। ये गेम बहुत बुरी है। ये तो सिर्फ एक गेम है, असली थोड़ी ना है, इसलिए भूल जाओ इसे। नहीं, हमारा हीरो बालवीर कहीं नहीं हारेगा, ना असली में ना गेम में, इसलिए तुम इस गेम को भी जीतो। ये गेम शुरू कैसे होती है? वो लाल बटन दबाने से। दबाओ, जल्दी से दबाओ लाल बटन और फिर चले जाओ इस वीडियो गेम में। वो देखो बाल, चलो बाली, हमें तुमसे एक जरूरी काम है। जरूरी काम बाद में बाल मित्रा, सबसे पहले मुझे इस बच्चे की समस्या सुलझानी है। ये देखो, किसी ने मुझ पर ये गेम बनाया है और ये बच्चा चाहता है कि मैं इस गेम को इसे जीत कर दिखाऊं। मैं यहाँ से, वरना बाल सखी और बाल मंत्री मुझे भी बवंडर की तरह घुमा घुमा कर पटेंगे। भाग तो भाग तो भाग भाग। अरे तुम रुको। बाल सखी, ये देखो बालवीर गेम के अंदर चला गया है। तुम्हें इस गेम से बाहर निकलना है तो तुम्हें इस गेम के तीनों लेवल्स पार करने होंगे। ये कौन सी जगह? कहीं उस बच्चे ने धोखे से मुझे इस गेम में तो नहीं फंसा दिया? मेरा जादुई डंडा भी मेरे पास नहीं आ रहा है, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? कैसे निकलूं? शौर्य, शौर्य, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, बालवीर ने तुम्हारी चुनौती एक्सेप्ट कर ली है, वो तुम्हारे साथ गेम खेलने के लिए तैयार है। देखो वो गेम के अंदर आ गया है। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी। तो शोर है, द गेमिंग रॉकस्टार भी तैयार है। अब मैं बालवीर को गेम के रूल्स बता देता हूँ। यो बालवीर, व्हाट्स अप? तो किसी बच्चे की आवाज है। मित्र, तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? देखो मेरी बात सुनो। तुम चिल्लाते रहोगे पर शौर्य तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंचेगी, बल्कि आज तुम्हारी आवाज के साथ साथ तुम भी खामोश हो जाओगे थोड़ी ही देर में। तो बालवीर, ये गेम बहुत आसान है और इसके रूल्स उससे भी ज्यादा आसान है, लेकिन इस गेम के लेवल बहुत मुश्किल है। ये गेम जल्दी खत्म ना हो और खेलने वाले को मजा भी आए, इसलिए बालवीर तुम्हें तीन लाइफ्स मिलेंगी, यानी कि तीन चांसेस। ये गेम इतना मुश्किल है कि इसका एक भी लेवल पार करना इम्पॉसिबल है, लेकिन यू नो शौर्य का गेमिंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके बीच बीच में तुम्हें पावर्स मिलेंगी एज अ बोनस, जिसकी मदद से तुम लेवल पार कर सकते हो। लेकिन हाँ बालवीर, ये पावर्स सिर्फ 10 सेकेंड के लिए होंगी तुम्हारे पास। हर पावर को कैसे इस्तेमाल करना है ये तुम्हारी स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा,
तो शुरू करते हैं गेम का पहला लेवल, जहां तुम्हें इस खतरनाक जंगल से भागते हुए सेकंड लेवल के डोर तक पहुंचना है। लेट्स गो। इस सब के पीछे किसका हाथ है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हो मैं इस खेल को जरूर खेलूंगा। तीनों लेवल पार करके मैं इस गेम से बाहर जरूर पहुंचूंगा। और हाँ बालवीर, गेम का एक खास रूल, अगर तुम भागते भागते रुके तो तुम्हारी लाइफ गई। आज मैं ना ही हारूंगा ना ही रुकूंगा। इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा, तुम्हें तो मैं हरा कर ही रहूंगा। अभी चट्टान लाता हूं बीच में। सही कहा था उस बच्चे ने, ये गेम लगता आसान है पर है बहुत मुश्किल। यहाँ नजर हटी और दुर्घटना घटी, अब तो मेरे पास केवल दो ही जीवनदान बचे हैं। मुझे और भी सावधान रहना होगा और दोबारा कोई गलती करने से बचना होगा। लेकिन कोई है जिसे पता है। बाल मित्र ये लो, तुम बालवीर की मदद करो, मैं अभी आता हूं। पर तुम कहां जा रही हो? उसे ढूंढने, जिसे शायद ये गेम बनाया है और बालवीर को फंसाया है।
मुझे गेमिंग में हरा ही नहीं सकते हो। अभी गेम का सेकंड लेवल है, सेकंड और डबल डेंजरस। इस लेवल में एक तीरंदाज होगा जो तुम्हारे ऊपर तीरों से वार करेगा। उस तीरंदाज को किल करके ही तुम्हें थर्ड लेवल की डोर की मिलेगी। लेकिन बालवीर, उस तीरंदाज को किल करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि उस तीरंदाज को किल करना एक मुश्किल पहेली की तरह है जिसे तुम समझ ही नहीं पाओगे। तीर तो आ गया, लेकिन तीरंदाज कहाँ है? ये बालवीर से कैसे लड़ेगा? इसकी आंखों पर तो काली पट्टी है। यही तो इसकी खासियत है, किसी भी आहट से उठती तरंगों से ये समझ जाता है और अपना निशाना साधता है। ये तीरंदाज तो बहुत तेजी से तीर चला रहा है और इसका निशाना भी बहुत सही है। मैं इसी लेवल में तुम्हारे दोनों लाइफ खत्म कर दूंगा। मेरे पास ये डाल वाली शक्ति बहुत कम समय के लिए है, इसलिए जितना जल्दी हो सके मुझे कम समय में उस तीरंदाज के पास जाकर उस पर जितना जल्दी हो सके उसे वार करके उसकी शक्ति कम करनी होगी। हो गया। अब मुझे तीसरे लेवल के द्वार से तीसरे लेवल में जाना चाहिए। अरे मैं बता रहा हूँ ना, वो गेम मेरे फोन में भले ही था पर वो मेरा नहीं था, वो तो मेरे भाई शौर्य ने बनाया था। मोंटू, तुम झूठ तो नहीं कह रहे हो ना? अरे वरना नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं, ये देख के मैं झूठ मूठ से भी झूठ ना बोलूं। मोंटू, तुम्हें पता है अगर तुम सच बोल रहे हो तो आज तुम्हारी वजह से बालवीर की जान बच सकती है। तो इसे मार दिया था, तो ये फिर से कैसे जिंदा हो गया? ये शक्ति तो बिल्कुल मेरे जादुई डंड जैसी है, लेकिन मैं उस शक्ति तक पहुंचू कैसे? तो तीरंदाज तो तीरों की बारिश कर रहा है मुझ पर। पिछली बार मेरे वार से बच गए थे तो, पर अब मेरे जादुई डंड के वार से नहीं बचोगे।
मैंने इस कैंप की पहेली सुलझा ली है। मेरे वार से तीरंदाज तो समाप्त हो जाता है, लेकिन वो एक काली बूंद बनकर जमीन पर गिर जाता है और बूंद के जमीन के संपर्क में आते ही वो वापस जिंदा हो जाता है। इसलिए अगर मुझे तीरंदाज का अंत करना है तो उस काली बूंद को जमीन पर गिरने से रोकना होगा। इस बार तुम्हारा अंत निश्चित है तीरंदाज। गेमर कहते हो और अपने बनाए हुए गेम में ही बालवीर को हरा नहीं सकते। देखिए मैंने ये गेम बनाई जरूर है, लेकिन कोई भी गेम एक साइड सोचकर नहीं बनाई जाती है, दोनों तरफ से जीतने के चांसेस दिए जाते हैं। मैं गेमर हूँ, कोई चीटर नहीं। मुझे भाषण मत दो। अगर हार मान ली है तो कह दो कि अब गेमिंग में तुम्हें कोई भी हरा सकता है। नो, श्योर है लूजर नहीं है। अभी इस गेम का थर्ड लेवल बाकी है जो कि इस गेम का सबसे टफ लेवल है। तो अब पूरा दिमाग लगा दो, बालवीर तीसरा लेवल पार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं जीतेगा, क्योंकि अब मैं कंप्यूटर में एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा हूँ जिसकी वजह से बालवीर कंप्यूटर गेम में एक मिनट भी बिना जॉयस्टिक के हिल नहीं पाएगा। लेकिन याद रहे, बालवीर हारना चाहिए। बिल्कुल हारेगा, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में आने वाला नेक्स्ट विलेन इतना खतरनाक है कि अगर मैं खुद भी बालवीर को ऑपरेट करूं तो अपने ही बनाए हुए विलेन को हरा नहीं सकता। जस्ट अ सेकंड, मैंने अपडेट पर लगा दिया, बस 5 मिनट में ही अपडेट हो जाएगा। आई बी राइट बैक। छूट गया बात मत मुझसे। बताओ जल्दी से मुझे कि है कहां तक पहुंचा बालवीर गेम में, है भी या गया काम से। अरे इस बेवकूफ की वजह से बालवीर ने दूसरा लेवल पार कर दिया है। अब ये गेम में कोई बदलाव ला रहा है। क्या कहता है कि थर्ड लेवल में बालवीर बिना जॉयस्टिक के हिल भी नहीं पाएगा। है समझता ये शौर्य अपने आप को इतना समझदार, पर है क्रमांक एक का बेवकूफ। अरे है नहीं जानता ये गेम में नहीं बल्कि है कर रहा समाप्त बालवीर को असली जीवन में। हाँ, और जैसे ही गेम में बालवीर की तीनों लाइफ खत्म, बालवीर असली लाइफ में भी समाप्त हो जाएगा। तुम लोग चीटर हो, तुम लोगों ने मुझे चीट किया है। मैं गेमर हूँ, कोई किलर नहीं। मुझे चीटिंग बिल्कुल पसंद नहीं। अब मैं बालवीर को गेम में जिता कर बचाऊंगा। तुम लोग को दिखाता हूँ। छोड़ मुझे, छोड़, छोड़। तुम विलेंस मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन रियल लाइफ में तुम बहुत गंदे हो। हम मैंने इस पेन ड्राइव में जो बैकअप लिया है उससे मैं बालवीर की हेल्प करूंगा। छोड़, छोड़ मुझे। अब तो सिस्टम पूरा अपडेट हो गया, अब तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। बच नहीं सकता कोई दो बातों से, अब बचा नहीं सकता अब कोई बालवीर को इस गेम से।
तौबा तौबा, बालवीर तो बच जाएगा लेकिन तुम बच पाओगे या नहीं ये मैं नहीं बोल सकती। उसे छोड़ो बाल सखी, बालवीर को हमारी हेल्प की जरूरत है। तुम बालवीर की मदद क्यों करना चाहते हो? तुम्हारी वजह से आज बालवीर खतरे में है। नहीं बाल सखी, मेरे साथ धोखा हुआ है, उन लोगों ने मुझे चीट किया है। मुझे नहीं पता था कि बालवीर को असली में मारने की प्लानिंग है, लेकिन लेकिन अब मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। कैसे? इस पेन ड्राइव की मदद से, इसमें गेम का बैकअप है। तुम सच तो कह रहे हो ना? बाल सखी जल्दी चलो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। चलो मेरे साथ आओ। ये वो नहीं, उसी के जैसे दिखता उसका प्रतिबिंब, मगर अब वही होगा जो कंप्यूटर चाहता। विलेन की जीत और बालवीर की हार। लगता है इस बार इससे मेरा मुकाबला होने वाला है। इस लेवल में दोनों खिलाड़ियों को एक दूसरे को अपनी तलवारों की मदद से नीचे खाई में गिराना है। जो बचेगा वही ये गेम जीतेगा। बालवीर ब्रो, अब खेलोगे तुम, पर तुम्हें कंट्रोल करूंगा मैं। कम ऑन बालवीर ब्रो, मिलके इन चीटर्स को दिखा देते हैं कि शौर्य नहीं, बालवीर इज द बेस्ट। लेट्स गो ब्रो।
मेरी जादुई डंक की शक्ति वो फिर से यहाँ आई है। अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे ये शक्ति लेनी ही होगी। इस जादुई डंड के आगे तुम दो पल भी नहीं टिक पाओगे। थैंक यू बालवीर ब्रो, एंड यू नो व्हाट, दुनिया का बेस्ट गेमर मैं नहीं तुम हो बालवीर ब्रो। Am I right? Yes! Yes! Yeah! 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 वैसे मेहर, तूने हमारे लिए राखी क्यों नहीं खरीदी? तुझे याद तो है ना कि कल रक्षाबंधन है? हाँ, मुझे याद है कि कल ही रक्षाबंधन है। एक्चुअली मैं स्पेशल राखी खरीदने वाली हूँ। स्पेशल राखी क्यों? स्पेशल राखी इसलिए क्योंकि इस साल का रक्षाबंधन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। इस साल मैं तुझे, तुझे और बालवीर को, तीनों को एक साथ राखी बांधूंगी। वाह, क्या बात कर रही है? हिंदी? मेरा मतलब है, बालवीर को छोड़ो, बालवीर की क्या जरूरत है? हम दोनों है ना? करेक्ट बालू लल्लू, तुम दोनों तो हो लेकिन सिर्फ भाई हो। रक्षा करने वाला भाई तो सिर्फ बालवीर है, इसलिए मैं बालवीर को भी राखी बांधूंगी। क्या हुआ? मेरा एक सजेशन है मेहर। यस। बालवीर की क्या जरूरत है? तू हम दोनों को राखी बांधने, फिर आराम से बालवीर को राखी बांधना, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन वो बहुत बिजी रहता है ना, इसलिए। नहीं, रक्षाबंधन के दिन मैं बालवीर, बल्लू और मानव तीनों को एक साथ ही राखी बांधूंगी। तू मुझे फंसा रही है मेहर, बल्लू और बालवीर एक साथ नहीं आ सकते। अरे कैसे समझाओ कि मैं ही बालवीर हूँ? वैसे तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बस प्रॉब्लम हो रही है इसलिए तू बोल रहा है ना। नहीं, मैं बालवीर को राखी पहनाओ नहीं पहनाओ देखो क्या प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, तू चुप बैठ, तू क्यों ऐसे बोल रहा है? छोड़ो, झगड़ा बंद करो। मुझे मत समझा, इसने स्टार्ट किया। मैंने क्या किया? वैसे इसमें झगड़ा करने की क्या जरूरत है? सिंपल सा है, हम बालवीर को बुला लेते हैं और फिर उसे पूछ लेते हैं वो रक्षाबंधन के दिन आने वाला है या नहीं। मानव तो दिखता ना, मैं कभी कभी होशियारी वाली बातें भी कर लेता है। चल बालवीर को बुलाते हैं। लेकिन क्यों, क्यों, क्या जरूरत नहीं है? शट अप बालवीर, बालवीर। अरे मैं यहाँ पर हूँ तो वो कैसे आएगा? बालवीर, बालवीर नहीं आएगा। नहीं, बालवीर को आना ही पड़ेगा, मैं बालवीर को मनाऊंगी। लेकिन रक्षाबंधन के दिन मैं तुम तीनों को एक साथ राखी बांधूंगी। That's it. अरे ओ, ओ, झांसी की रानी, ओ! ये क्या बोल रही है तू मेहर? बल्लू और बालवी दोनों एक साथ कैसे आएंगे? ये बहुत प्रॉब्लम है। बालवीर,
बालवीर तुम एक भाई की तरह हम सब की रक्षा करते हो, इसीलिए हम सब तुम्हें कल स्कूल में राखी बांधना चाहते हैं। हाँ बालवीर प्लीज, हाँ प्लीज बालवीर, प्लीज बालवीर। हाँ हाँ, अरे ठीक है क्यों नहीं, आप सब मेरी प्यारी बहनें हैं तो आप मुझे राखी बांध सकती हैं। कल मैं स्कूल में जरूर आऊंगा। थैंक यू बालवीर। मेहर मुझे जरूर कल घर में आकर राखी बंधवाने को कहेगी, लेकिन कैसे मना करूं मैं उसे। बालवीर तुम मेरी एक बात मानोगे? नहीं। नहीं मानोगे? नहीं, कहा है मैंने आज तक तुम्हें किसी भी बात के लिए, मैं ऐसा कह रहा था। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि कल तुम स्कूल आने से पहले मेरे घर आ जाओ, ताकि मैं तुम्हें बल्लू लल्लू और मानव तीनों का एक साथ राखी बांधू। मेहर तुम भी मुझे कल स्कूल में ही राखी बांध देना ना। नहीं बालवीर, तुम्हें तो घर आना ही पड़ेगा, वरना वो बल्लू लल्लू मुझ पे हंसेगा, क्योंकि उसने कहा था कि तुम नहीं आओगे। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं हंसूंगा, मतलब बल्लू लल्लू नहीं हंसेगा, और वो तो लल्लू है, तुम तो समझदार हो ना। मैं बालवीर एक छोटी सी तो विश है मेरी, वो भी पूरी नहीं कर सकते। लेकिन मेहर मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं राखी बांधूंगी वो भी तीनों को एक साथ, वरना मैं रक्षाबंधन नहीं मनाऊंगी। ठीक है मेहर, नाराज मत हो, कल मैं तुम्हारे घर तुमसे राखी बंधवाने जरूर आऊंगा। पक्का? ये, थैंक यू बालवीर। उड़ी बाबा, इधर ये लोग रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है और उधर हमारा मालकिन पागल हो रहा होगा। कुछ तो करना पड़ेगा। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा, मेरा प्रचंड बार भी बेकार कर दिया बालवीर ने, बचा लिया अपनी बहन महर को। प्रचंडिका, है क्या ये सब, है क्या ये, मनाते क्यों नहीं हम भी यहाँ त्योहार प्रचंड लोक में। बकवास बंद करो तोबा तोबा, हमारा हर बार बेकार हो रहा है, हमारी हार हो रही है और तुम्हें त्योहार मनाना है। अरे तो चलती क्यों नहीं कोई बढ़िया चाल, करती क्यों नहीं कोई अच्छा वार, ताकि मना सके हम भी यहाँ जीत का त्योहार। उधर देखो धरती पर हो रही है तैयारियां रक्षाबंधन की, ओ महर बुलाकर बालवीर को अपने घर पे है बांधने वाली राखी। बकवास बंद करो वरना। रुक जाओ शातिर, तौबा तौबा, तुम त्योहार मनाना चाहते हो ना? नहीं तो नहीं। इस बार अपनी जीत के बाद हम त्योहार जरूर मनाएंगे, जरूर मनाएंगे हम त्योहार। जीत के बाद कौन सी नई चाल चलने वाली हो तुम प्रचंडे का? एक बहुत खतरनाक चाल। इस बार तो भाई बालवीर ने अपनी बहन मेहर को बचा लिया, लेकिन अब मैं ऐसी चाल चलूंगी कि बहन मेहर खुद भाई बालवीर के अंत का कारण बनेगी। ये रक्षाबंधन बालवीर का आखिरी रक्षाबंधन होगा, आखिरी। सलोनी कैसी लगी है राखियाँ? अच्छी है, लेकिन राखी तो हम लड़कियाँ खरीदती है, तुम लोगों ने राखी क्यों खरीदी है? इस बार क्या तुम लड़के लोग अपनी बहनों को राखी बांधोगे क्या? रोहित, मोंटू तो ग्रेटेस्ट लखन के राज में ये पिद्दी हंस रहे, ऐसा कैसा हो रहा है, चल चल कर देखते। अरे नहीं पलक, हम इस बार अपनी बहनों को नहीं
बल्कि हम सब मोंटू को राखियां बांधेंगे। रोहित, ये लोग मुझे क्यों राखी बांधना चाहते हैं? हाँ, बांधते हैं तो आपके हाथ को बांधना चाहिए, जैसे आपके हाथ उन पिद्दियों पे चलते रहते हैं हमेशा। पर तुम लोग मोंटू को क्यों राखी बांधना चाहते हो? अरे सलोनी, एक बहन भाई को राखी क्यों बांधती है? ताकि वो उसकी रक्षा करे और उसे हर प्रॉब्लम से बचाए। बस वैसे ही हम मोंटू के हाथ में राखी बांधेंगे ताकि वो हमारा भाई बन जाए और हमें परेशान करने के बजाय हमारी मदद करे। गुड आइडिया मनीष, है ना? हाँ। मोंटू बॉस, अगर इन विद्यों ने आपको राखी बांध ली तो आपका मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का करियर तो खत्म हो जाएगा। हाँ। ए, मेरा कौन सा करियर? अरे बॉस, आपका करियर मोंटू, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी, ये वर्ड से सब विद्यों लोग कांप उठते थे। उसके बाद कोई आपसे नहीं डरेगा, बल्कि मोंटू बॉस सब विद्यी सामने से आके आपको टिफिन देते थे, पर बॉस सबको आपको टिफिन लाके देना पड़ेगा। फिर मोंटू बॉस आपको एक मसीहा बनके इन विद्यों की रक्षा करनी पड़ेगी। मोंटू भैया, आज आपके हाथ से खाने का मूड है? क्यों? खाना खाना। मोंटू भैया मैं जूते की लेस बांध दो ना। क्या भूल गई है? जूते की लेस? मैं रख रख, उधर पैर रख। नहीं नहीं, नहीं क्या? हाँ बॉस, उसके बाद आप इन पिद्दियों के मोटा भाई बन जाओगे। मतलब वो वाला मोटा नहीं, बड़ा भाई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता रोहित, मैं इनसे राखी नहीं बंधाऊंगा। तो फिर जो भी हो जाए बॉस, कल रक्षाबंधन वाले दिन इन पिद्दियों के सामने मत आना। कल मैं किसी से राखी बंधवाऊ ऐसा हो नहीं सकता, और कल कोई खुद आकर मुझे राखी बांधे ये मैं हारने नहीं दूंगा। अरे बालवीर, तुम यहाँ अकेले उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं चुलबुली तितली, बस ऐसे ही। ऐसे ही नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, और तुम अपने दोस्त से बात छुपाओगे? बताओ ना, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मेहर ने जिद पकड़ ली है और उसे मनाना बेकार है। एक बार वो जिद पकड़ लेती है तो फिर उसे पूरी करे बिना मानती ही नहीं है। वो चाहती है कि वो इस रक्षाबंधन पे बल्लू और बालवीर, यानी बल्लू और मुझे एक साथ राखी बांधे। अब आप ही बताइए ये कैसे हो सकता है? और मैंने भी उससे वादा कर दिया कि कल मैं उससे राखी बंधवाने जरूर आऊंगा, पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपना दिया हुआ वादा कैसे पूरा करूं। ये तो गंभीर समस्या है, पर इस समस्या का हल उनके पास जरूर होगा। किसके पास? रानी परी। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने चुलबुली तितली, रानी परी वो इस समस्या में मेरी मदद कर सकती है। आप सच में मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है चुलबुली तितली। मैं अभी रानी परी के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि वो कल किसी को बल्लू के रूप में मेरे साथ पृथ्वी लोक पे भेज दे। फिर महर, मानव, बल्लू और बालवीर तीनों को एक साथ राखी बांध पाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चुलबुली तितली। अब से कोई भी परी अपना रूप बदलकर बल्लू नहीं बन सकती, क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से हमने आप सब परियों की बल्लू का रूप धारण करने की जादुई शक्ति समाप्त कर दी है। लेकिन क्यों रानी परी, अचानक से ये निर्णय लेने की कोई वजह? प्रचंडिका। परियों प्रचंडिका अच्छी तरह से जानती है कि बल्लू और बालवीर एक ही है, और इसीलिए यदि प्रचंडिका या कोई और बुरी शक्ति बल्लू का रूप धारण करके पृथ्वी लोक या परिलोक में आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि वो बालवीर नहीं है बल्कि हमारा शत्रु है। आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया रानी परी, हमें बालवीर की सुरक्षा की हमेशा चिंता रहती है।
रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। बालवीर, आप अचानक परीलोक पे, पृथ्वी लोक पर सब कुछ ठीक तो है ना? रानी परी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद बालवीर? दरअसल मेहर के कारण मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। मेहर के कारण? पर वो तो बहुत समझदार है। और जिद्दी भी। रानी परी, इस बार उसकी जिद है कि वो इस रक्षाबंधन पे मानव, बल्लू और बालवीर तीनों को एक साथ राखी बांधेगी। लेकिन बालवीर, बल्लू और बालवीर दोनों को एक साथ मेहर कैसे राखी बांध सकती है? वो दोनों तो आप ही हो। ये मैं जानता हूँ हर परी, लेकिन मेहर नहीं। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल रक्षाबंधन के दिन आप में से कोई पृथ्वी लोक पर बल्लू का रूप लेकर आए और मेहर से राखी बंधवाए। क्या हुआ रानी परी? बालवीर, हमें क्षमा कर दीजिएगा, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। दरअसल बालवीर, आपने आने में देर कर दी, क्योंकि अब ये परियां बल्लू का रूप धारण नहीं कर सकती। हमने इन सब परियों की बल्लू का रूप धारण करने की जादुई शक्ति समाप्त कर दी। तो रानी परी, अब किसी एक परी को शक्ति वापस दे दीजिए ना। नहीं बालवीर, ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। किसी भी जादुई शक्ति को वापस देने के लिए कई दिन लग जाते हैं। तो मैं मेहर की जिद कैसे पूरी करूंगा, कैसे उसे समझाऊंगा? ऐसी स्थिति में नटखट परी आप ही कुछ कर सकती है, क्योंकि आपके पास रूप बदलो गोली है और उसे हम में से कोई भी बल्लू का रूप ले सकता है। हाँ, अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे कि हमारे पास एक रूप बल्लू गोली अभी भी बची है। तो नटखट परी, देर किस बात की, जल्दी से वो गोली ले आइए। ठीक है बालवीर, हम अभी लेकर आते हैं। कहाँ रखा नटखट परी ने वो मस्तक खावा चूड़न खटोला यंत्र? हो रही देरी डुबा डुबाओ को अपना कार्य करने में। गया कहा? अरे वाह, है यहाँ पर रूप बदलू गोली भी। मुंह खाकर देखता भी रूप बदलू गोली, क्यों लगता कैसे मैं बनकर राजकुमार, राजाओं का राजा, शहनशाह डुबा डुबा एक। कैसे अचानक ये नटखट परी यहाँ? देख लिया अगर इसने मुझे रूप बदलू गोली खाते हुए तो मिलेगी मुझे सजा। मैं क्या करूँ, बचो कैसे मैं इससे? रूप बदलू गोली बना तो जल्दी से मुझे रानी परी। रानी परी, रानी परी, आप यहाँ? आप तो रानी महल में थी। क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते? नहीं नहीं रानी परी, हम तो खुद आपके पास आखिरी रूप बदलू गोली लेकर आ रहे थे, जो बालवीर को चाहिए थी। क्या वो आखिरी रूप बदलू गोली थी? हाँ। वो क्या है ना, हम यही देखने के लिए यहाँ आए थे कि आपने वो रूप बदलू गोली ली या नहीं। हाँ, तो हम अभी रूप बदलू गोली ले लेते हैं। अब रुके रुके, मत लीजिए वो वो हम क्या बोल रहे थे नटखट परी के, हमें वो जादुई बक्सा दे दीजिए। जी रानी परी। अरे करूँ क्या, बचकर कैसे निकलो यहाँ से? नटखट परी, आपको रूप बदलू गोली लाने में इतना समय क्यों लग रहा है?
रानी परी आप यहाँ? क्यों नटखट परी, क्या हम यहाँ नहीं आ सकते? नहीं नहीं रानी परी, एक रानी परी आ सकती है पर दो दो? मतलब पीछे मुड़ के देखिए रानी परी। रानी परी यहाँ भी और यहाँ भी, तो रानी परी कैसे हो सकती है? दो नहीं, रानी परी एक ही है और जो दूसरा है वो कोई और ही है। रुक जाइए रानी परी। डूबा डूबा एक आप? हाँ हाँ, कर दीजिए मुझे क्षमा रानी परी, नटखट परी, खाली मैंने गलती से रोबोट लगोली और बचने के लिए सजा से आपसे बदल लिया मैंने आपका रूप। क्या ये क्या किया तुमने? एक आखिरी रूप बदलो गोली बची थी, वो भी तुम कहाँ गए? मेहर की जिद पूरी करने का एक आखिरी रास्ता था, वो भी हाथ से चला गया। मुझे तो लगता है मेहर इस साल रक्षाबंधन नहीं मनाएगी। डूबा डूबा एक, आपको इस गलती की सजा अवश्य मिलेगी। बालवीर आप चिंता मत कीजिए, नटखट परी आपके लिए रूप बदलू गोली बना देंगी। हाँ बालवीर, बालवीर हम वादा तो नहीं कर सकते कि रूप बदलू गोली बन जाएंगे, पर हम पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं नटखट परी, आपको रूप बदलू गोली बनानी ही होगी, क्योंकि मैं मानव बल्लू और बालवीर तीनों को एक साथ राखी बांधेगी या तो किसी को राखी नहीं बांधेगी। और मैं नहीं चाहता कि मेहर इस साल रक्षाबंधन ना मनाए। प्रचंडिका बताइए जरा हमें भी कि है चलने जा रही आप ऐसे कौन सी चाल जिससे इस रक्षाबंधन बने कि मेहर बालवीर के अंत का कारण। हाँ प्रचंडिका, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि तुम्हारी अगली चाल क्या है। बताएगी नहीं, प्रचंड का दिखाएगी तुम्हें। ये लो तौबा तौबा, ये राखी उस पुतले को जाके बांध दो। क्या इसीलिए होती नहीं आपकी कोई चाल कामयाब? सोच है उल्टी आपकी। अरे नहीं पता आपको इतना कि रक्षाबंधन पर है बांधती लड़कियां राखी और हूं मैं एक लड़का। चलो प्रचंडिका ने तुम्हें लड़की बना दी। बांधो राखी। रुको तबा तबा, ये कोई साधारण राखी नहीं, ये एक सेल्फी राखी है। सेल्फी राखी? हाँ तबा तबा, जरा इस पुतले के साथ इस राखी से एक सेल्फी तो लो। सेल्फी आएगा मजा। ए
अब जरा इस पुतले से दूर हो जाओ। दूर? एक बहन अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ती, है ना भैया? अच्छा तो चलो इस भाई बहन को एक साथ नष्ट कर देती हूँ। हम मेहर को ऐसी ही एक सेल्फी राखी देंगे जो रक्षाबंधन वाले दिन मेहर बालवीर को बांधेगी, और वो भी सेल्फी लेने के लिए जैसे ही वो बटन दबाएगी उसके सेंसर्स ऑन हो जाएंगे और हमारे इस रिमोट से जुड़ जाएंगे। बस फिर इस रिमोट का बटन दबाने की देर है ताकि इस रिमोट के रेस सीधे राखी को लगे और फिर थोड़े ही देर में बालवीर मर्क्यूरी का पुतला बन जाएगा और धीरे धीरे पूरा मर्क्यूरी बनकर नष्ट हो जाएगा। प्रचंड विनाश कौन है मेरा? प्रचंड का नाम है मेरा। ले लो ले लो राखी ले लो। राखी की दुकान? आओ आओ बच्चों, चल सरोनी चल के देखते हैं कैसी राखी है यहाँ पर। हाँ हम बाजरे के लिए राखी यहीं से लेते हैं। हाँ सुंदर राखी है। अरे सलोनी बाला, महर इधर जल्दी आ। देख यहाँ पे कितनी अच्छी राखी है, तू भी बालवीर के लिए यहाँ से कोई राखी ले ले। मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रही है। कोई बात नहीं मेहर, तू आराम से पसंद कर, हम लोग क्लास जाते हैं। ठीक है बाय बाय। लगता है बहुत खास राखी चाहिए तुम्हें। हाँ हाँ खास चाहिए, क्योंकि बालवीर भी खास है ना। मेरे पास एक खास राखी है, अब थोड़ी महंगी है। अरे दादी महंगे सस्ते का प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पूरे साल अपने पॉकेट मनी से थोड़े पैसे बचा के रखे, इसलिए आप दिखाइए। है दिखा, कहाँ रखी है? ये है वो राखी। सेल्फी राखी। आजकल तुम बच्चों को वो सेल्फी खींचना बहुत पसंद है ना। इस राखी पे जो ये जो बटन है उसे ऐसा दबा दो और जिसे राखी बांधने वाली हो उसके साथ ऐसे सेल्फी ले लेना। मुझे यही राखी चाहिए, क्योंकि ऐसी राखी किसी के पास नहीं है। मुझे तीन चाहिए। मैं दे तीन लो महल, बस इसमें से एक कल बालवीर के हाथ में जरूर बांध। ये लो ये तीन, कल बालवीर को जरूर पहनाना है। बालवीर को भी बांधना और बाकी भाइयों को भी बांधना है। थैंक यू।
पगली, तू इस रक्षाबंधन पे उनके लिए राखी नहीं बल्कि उनके अंत का सामान खरीद रही है। ये सेल्फी राखी की डोर बालवीर के हाथ में बांध कर उसके जीवन की डोर हमेशा के लिए काट देगी। वाह प्रचंड का वाह है क्या चली अपने चार सेल्फी राखी नहीं होगा किसी को भी संदेह कि होगा मेहर के हाथों बालवीर का अंत। अब तक तो कर भी दिया होगा शातिर परी ने अपना काम मेहर को राखी देकर। तौबा तौबा ये तो मेरे खेल का बस एक हिस्सा है। मेरे खेल का दूसरा हिस्सा इससे भी बड़ा और खतरनाक है। अब है क्या बचा और करने को है बनाना बालवीर को निशाना जो कल बन जाएगा। नहीं इस बार मेरा निशाना बालवीर ही नहीं बल्कि वो सारे दूसरे हजारों बच्चे जो कल रक्षा बंधन का त्योहार मनाएंगे। तबा तबा आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। अरे लेकिन ये देखो तबा तबा डिब्बों पे तो बालवीर की तस्वीर भेज रहे हो क्या बच्चों को तोहफे बालवीर के अंत की खुशी में। तोहफा जरूर भेज रही हूँ लेकिन मुस्कुराने वाला नहीं रुलाने वाला। रुलाने वाला तोहफा अरे वाह है आपके तोहफे में कमाल आपकी तरह। वैसे है क्या इनमें 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 मर्क्यूरी की राखियां हैं जिन्हें हम बालवीर की तरफ से रक्षा बंधन का तोहफा कहकर धरती पर भेजेंगे। कल रक्षा बंधन के दिन हजारों बहनें अपने भाई के कलाई पर ये राखियां बांधेंगी लेकिन उन्हें नहीं पता होगा कुछ ही देर में बालवीर की तरह वो सब भाई भी मर्क्यूरी के पुतले में बदल जाएंगे। बहुत सारी तबाही मचेगी तबा तबा बहुत सारी। बालवीर का तो अंत होगा साथ ही साथ पृथ्वी पर से बालवीर का नाम ही मिट जाएगा। सब बालवीर को ही दोष देंगे क्योंकि उन्हें ये राखियां बालवीर से तोहफे में मिली है ना। वाह 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 है एक छोटी सी समस्या बनाने में हजारों बच्चों को एक एक करके रिमोट से मर्क्यूरी लग जाएंगे कई साल। जानती इसीलिए तो मैंने इन सारी राखियों के लिए एक बहुत बड़ा रिमोट बनाया है। ये देखो तबा तबा कल धरती पर जाकर मैं इस रिमोट को किसी ऊंची जगह पर रख दूंगी जिससे इसमें से सिग्नल निकलते ही ये सारी मर्क्यूरी राखियां वहीं से एक्टिवेट हो जाएंगी। लेकिन मैं ऐसा तब करूंगी जब बालवीर मर्क्यूरी का पुतला बन चुका होगा वरना वो सावधान हो जाएगा और मैं इस बार उसे बचने का कोई मौका नहीं देना चाहती। नटखट परी ने अब तक रूप बदलू गोली बनाई होगी भी या नहीं एक काम करता हूँ उन्हीं से पूछ लेता हूँ। नटखट परी नटखट परी क्या हुआ बालवीर आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया। नटखट परी
मैंने आपको ये पूछने के लिए बुलाया है कि आपने रूप बदल को ली बनाई या नहीं। क्यों, आपको अभी अपना रूप बदलना है? नहीं सुबह, लेकिन तो सुबह तक गोलियां तैयार हो जाएंगी। आप अभी हमें जाने दीजिए, रूप बदलू गोलियां बनाने में और बहुत काम बाकी बचा है। शुक्रिया नटखट परी। बल्लू तू किससे बातें कर रहा है? कुछ नहीं, वो कल रक्षाबंधन है ना, बस उसी के बारे में सोच रहा था। वैसे मेहर तुझे याद तो है ना कि कल ही रक्षाबंधन है, तूने हमारे लिए राखी खरीदी भी है या नहीं? राखी खरीदी है, और ऐसी राखी खरीदी है जैसे तुम दोनों ने कभी देखी भी नहीं होगी। ये देखो बहुत स्पेशल है। अरे तो हमें भी देखा ना, क्या स्पेशल है इस राखी में? मानव मेरा पैकेट वापस कर नहीं तो पीट दूंगी। नहीं हमें देख रही है, अरे बहन देख रही है ना, इतना क्या ड्रामा कर रही है? जरा ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं बता दूंगी कि इसमें क्या स्पेशल है। इसमें जो स्पेशल है वो मैं दिखाऊंगी, लेकिन कल जब बालवीर हमारे साथ होगा। जा अभी इधर से। बालवीर तो तब आएगा ना मैं, जब सुबह नटखट परी रूप बदलू गोली बना लेगी और कोई बल्लू का रूप लेकर यहाँ आ जाएगा। पता नहीं क्या होने वाला है कल। कल ये सेल्फी राखी कितनी अच्छी लगेगी मानव बल्लू और बालवीर के हाथ पे। खुश रहो परियो, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बालवीर। आप सभी को भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या हुआ रानी परी, आप चिंतित लग रही है? हमारी चिंता आपकी सुरक्षा है बालवीर। पता नहीं क्यों बालवीर हमें सब सही नहीं लग रहा है, और ऐसा हमें तभी महसूस होता है जब आपके आसपास कोई खतरा हो। ये तो चिंता का विषय ही नहीं है, क्योंकि आज बहुत ही शुभ दिन है, रक्षाबंधन का दिन। आज सारी बहनें मुझे राखी बांधेंगी और मैं उनसे वादा करूंगा कि मैं हमेशा उनकी रक्षा करूंगा। तो आज चिंता की क्या बात, और वैसे भी राखी से मुझे क्या खतरा हो सकता है रानी परी? आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगा। बालवीर आपके लिए रूप बदलू गोलियां बन गई हैं। नटखट परी इतनी सारी गोलियां, हमें एक ही बल्लू बनाना है, बल्लू की सेना नहीं बनानी है। हम जानते हैं भटकाती परी, पर समय कम होने की वजह से हम इसका परीक्षण नहीं कर पाए, और इसीलिए हमने इतनी ज्यादा गोलियां बना ली ताकि एक का असर कम होने पर हम दूसरी गोली का उपयोग कर सके। प्रार्थना कीजिए बालवीर कि रूप बदलू गोली का असर सही हो, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। और वैसे भी नटखट परी के नटखट जादू क्या क्या कर सकते हैं ये तो हम सभी जानते हैं। क्यों परी हो? नटखट परी आप नाराज मत होइए, आप तो जानती हैं कि हम आपके साथ मजाक कर रहे हैं, इसलिए खुश हो जाइए। और नटखट परी जल्दी से मुझे बताइए कौन है वो जो बल्लू के रूप में मेरे साथ पृथ्वी लोक पर आ रहा है, क्योंकि समय निकला जा रहा है और मेहर हमारा इंतजार कर रही होगी। डुबा डुबाए आपने एक गलती की थी, और इसकी सजा ये है कि आप बालवीर के साथ पृथ्वी लोक जाएंगे। रानी परी मदद करना मित्र बालवीर की सजा नहीं बल्कि है मजा। शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया। ये लीजिए बालवीर। शुक्रिया रानी परी। ये रक्षाबंधन बालवीर का आखिरी रक्षाबंधन होगा। मेहर मानव बल्लू। अब मेहर ये लो आरती की थाली, तुम मानव और बल्लू को भी बुला लो राखी बांधने के लिए, मैं बाकी की चीजें लेकर आती हूँ। अरे बल्लू लल्लू किधर गया? अरे रेडी हो रहा होगा, आ जाएगा। चल बाडू बाइक, ये लो ये रूप बदलू गोली खाकर बल्लू बन के जल्द से जल्द बाहर आ जाओ।
और कोई गड़बड़ मत करना। अरे वो मैं तो काहे की चिंता मित्र, तुम चलो मैं आया। वाह बच्चों, इन कपड़ों में तो बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू दादाजी। अभी देखा मानो, मैंने बोला था ना बालवीर जरूर आएगा। पता है दादाजी, वो बल्लू लल्लू कह रहा था बालवीर आएगा ही नहीं। हे रूप बदलू गोली, बदल जाए मेरा रूप वैसा बल्लू के जैसा। आ गया हूँ मैं, राखी बांध ले। मैं आपको राखी क्यों बांधूं? तूने ही मुझे बुलाया, अब तू ही राखी बांधने से मना कर रही है। अरे राखी तो भाई को बांधी जाती है, पापा को नहीं। तो मैं भाई तो हूँ, पापा कहाँ हूँ? अरे जरा देखिए अपने आप को, आप पापा है। हाँ वो मजाक कर रहा था। मैं अभी बल्लू को भेजता हूँ, बल्लू को भेजता हूँ मैं। चवाई, तुम लोगों ने अभी राखी बनने की तैयारी नहीं की है? अरे महेश, तू तो वहां गया था ना, तो यहां से कैसे आया? बाबूजी, मैं जहां था वहीं से आ रहा हूं। तो वहां गया वो क्या तेरा भूत था? बेकार में इतनी देर कर रहे। महर बालवीर को मर्क्यूरी वाली राखी बांधे तो हम बालवीर के अंत की शुरुआत करें। कहा था नटखट परी ने कि समय के कमी होने के कारण कर नहीं पाए इन गोलियों का परीक्षण, इसलिए है बनाई उन्होंने इतनी सारी गोलियां। अब ये दूसरी गोली शायद करे एक सही असर। अरे हो रही है मुझे जाने में देर। चलो चलो चलो, बांध लो मुझे राखी तुम महर। लगता है इस बार भी रूपत गोली ने ऐसा नहीं किया, अब क्या होगा? अरे ये सब हो क्या रहा है स्मिता? अरे भाई तुम्हें बच्चे राखी क्यों बांधेंगे? मैं तुम्हारे गले में सोने का हार बांधूंगा और तुम्हारे बालों में गजरा बांधूंगा। हाँ स्मिता, स्मिता वो मैं एक जरूरी चीज भूल गया था। गई थी तो मैं लेकर आता हूँ। आती हूँ। महेश महेश, ये देखिए गजरा कैसा लग रहा है। स्मिता मैंने अभी अभी कहा गजरे के बारे में, तुम डाल के भी आ गई। लेकिन बहू तुम तो वहां से गई थी ना, तो यहाँ से कैसे आई? नहीं बापूजी, मैं जहाँ थी वहीं से आ रही हूँ। ये घर में हो क्या रहा है? अरे करू क्या करू क्या, रूप बदलू गोली बना दे सचमुच इस बार मुझे बल्लू। बदल जाए मेरा रूप वैसा बल्लू के जैसा। ये लो बल्लू भी आ गया। बल्लू लल्लू कहाँ रह गया था तू? कम से कम आज के दिन तो टाइम पे आ जाता। महर बेटा आज के दिन तो उसे छोड़ दे। बालवीर मानव बल्लू तुम लोग लाइन से यहाँ बैठ जाओ। महर तिलक करो और राखी बांधो। सिर्फ राखी नहीं है, एक सेल्फी राखी है। राखी बांध रही है और उसका बटन दबाकर उस राखी को एक्टिवेट भी कर दिया है।
चातुर परी, अब तुम्हें बालवीर के पास जाना है और इस रिमोट को उसकी तरफ करके इसका बटन दबाना। बहुत जल्द तुम्हारा काम और बालवीर का काम तमाम होगा। दबाते वक्त बालवीर के सामने कोई नहीं होना चाहिए। इस रिमोट की तरंगे सीधे मर्क्यूरी की राखी को लगनी चाहिए, वरना ये असर नहीं करेगी। ऐसा ही होगा। आज बालवीर मर्क्यूरी पुतला जरूर बनेगा। बेचारा बालवीर, उसे तो पता ही नहीं जिसकी रक्षा का वो वचन ले रहा है, उसने ही बालवीर को खतरे में डाल दिया। शुक्रिया मेहर। गिफ्ट? थैंक यू बल्लू। बहुत खुश है तबा तबा। दूसरे हजारों बच्चों ने बालवीर के नाम से भेजी हुई हमारी मोकिरी राखी भी बंधवा ली। अब कुछ ही पलों में बालवीर पहले मोकिरी का पुतला बनेगा और उसके बाद वो सारे बच्चे जिन्होंने हमारी मोकिरी राखी बांध ली वो भी मोकिरी का पुतला बनकर नष्ट हो जाएंगे। मर्क्यूरी पुतला बनने के लिए तैयार हो जाओ बालवीर। जी, मैं 2 मिनट में आता हूँ। मुझे भी जाना होगा, मुझे स्कूल जाना है। तू स्कूल जाएगा? अरे मुझे पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि बच्चों से राखी बंधवाने के लिए स्कूल जाना है। मुझे भी बालवीर के पीछे स्कूल जाना चाहिए। मोंटू तो यहाँ है ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं छुप गया हो। मनीष, हम सब मोंटू के पीछे छुप सकते, लेकिन मोंटू किसी भी चीज के पीछे नहीं छुप सकता। चाहे कुछ भी हो, आज तो हम मोंटू को राखी बांध के ही रहेंगे। हाँ। मैं इन पिग्गियों से राखी नहीं बनवा सकता, वरना इनका भाई बनके इनको परेशान करने की जगह इनको बचाना पड़ेगा। भागो! रोहित,
इन लोगों ने भगा भगा के तो थका डाला यार। ये लोग आ गए, मैं यहाँ चुप जाता हूँ। पहले मुझे चली। बॉस मैं क्या करूँ, अरे तुम इधर जगह नहीं है, तू भाग इधर से। भागो भागो। ये मोंटू कहाँ चला गया, भागा भागा है, उसने मैं थका दिया। कहाँ गया ये मोंटू? कब से ढूंढ रहे उसे? मिल ही नहीं रहा। पर चाहे कुछ भी हो, आज तो हम मोंटू को ढूंढ के उसे राखी बांध कर ही रहेंगे। अभी मुझे मोंटू की आवाज आई। हाँ वो देखो वहाँ रोहित है। रोहित वहाँ तो मोंटू भी वहीं होगा। चलो ये रोहित का बच्चा पहले नहीं दिख सकता था। थैंक यू बालवीर, तुम हम सबसे राखी बनवाने आए हो। शुक्रिया तो मुझे आप सबका करना चाहिए, क्योंकि आप सब मुझे अपना भाई मानकर मुझ पर ये विश्वास करती है कि मैं आपकी रक्षा जरूर करूंगा। चलो मुझे राखी बांधो। तुम सबके लिए मैं तोहफे भी लाया। रानी परी कह रही थी कि मुझे राखी से सावधान रहना होगा। अब भला मुझे राखी से क्या खतरा हो सकता है? और रानी परी भी मेरी चिंता करती रहती है। बालवीर अभी अकेला है शातिर, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। लग गई इस रिमोट की तरंगे बालवीर के हाथों को लग गई। बस अब कुछ ही देर में बालवीर मर्क्यूरी का पुतला बन जाएगा। नहीं ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? इस रिमोट की तरंगी तो बालवीर के हाथों को लगी थी, तो बालवीर मर्क्यूरी का पुतला क्यों नहीं बना? अब बालवीर ये देखो तुम्हारी राखी, शायद सबसे राखी बनवाते समय तुम्हारी ये राखी गिर गई। इस मर्क्यूरी की राखी कभी अभी गिरना था। शुक्रिया मानो, लो बांधो मुझे। हाँ। जाने दो, इसे मत बांधो, लगता है इसका धागा कमजोर है, मत पहनो इसे। ये क्या कर रहे हो तुम मानो? अगर बालवीर ये राखी नहीं पहनेगा तो मैं इसे मर्क्यूरी का पुतला कैसे बनाऊंगी? भाई बहन की राखी का धागा कभी कमजोर नहीं हो सकता, क्योंकि उनका प्यार कभी कमजोर नहीं होता। बांधो इसे। परियो खुश रहो, खुश रहो रानी परी, खुश रहो। लगता है किसी बुरी शक्ति ने रानी महल में प्रवेश किया है। रानी परी पर इस समय तो सिर्फ बल्लू ने प्रवेश किया है, इसका मतलब ये बल्लू नहीं है, कोई बुरी शक्ति है। डूबा डूबा एक अगर आप डूबा डूबा एक हैं,
तो आपके प्रवेश करते ही सुरक्षा बोबो क्यों बचा? वो बता सकता है वो मैं कैसे? अब कह सकता हूँ मैं तो सिर्फ इतना कि हूँ मैं आपका डुबा डुबा एक। चाहिए तो कर लीजिए आप जांच। जांच तो करनी होगी। आर पार परी, आप तुरंत डुबा डुबा एक की जांच कीजिए। जी रानी परी। ये तो डुबा डुबा एक ही है, तो फिर सुरक्षा भोपू बचने का और क्या कारण हो सकता है? कारण तो डुबा डुबा एक ही है। अब भी मैं रानी परी, पर क्यों? क्योंकि हो ना, धरती से किसी बुरी शक्ति ने आपके साथ रानी महल में प्रवेश किया है और इसीलिए जांच तो हमें करनी ही होगी। आर पार परी, आप डूबा डूबा एक की जांच कीजिए। जी रानी परी। इस राखी के साथ ही कोई बुरी जादुई शक्ति जुड़ी हुई है रानी परी। डूबा डूबाए, आप तुरंत इस राखी को अपने हाथ से निकालिए। जी। डूबा डूबाए, ये राखी आपको आखिर किसने बांधी है? बांधी ये राखी तो मेहर ने हम सबको, मुझे मतलब बल्लू को, मानो को, बालवीर को। हमें शक है कि ये कोई घातक हथियार ना हो, इसीलिए सुबह से हमारा मन घबरा रहा था। परियो, बालवीर खतरे में और इसीलिए हमें उन्हें तुरंत सावधान करना होगा। नटखट परी, आप इस राखी की जांच शुरू कीजिए। ललू ललू, मानव, सलोनी, पलक, ये लोग कहाँ चले गए? महर, अरे भटकाती परी, आप यहाँ? बातें कुछ ऐसी है महर, आपने जो राखी बालवीर को बांधी वो आपको किसने दी थी? वो मुझे किसी ने दी नहीं थी, मैंने खरीदी थी स्कूल के बाहर एक दुकान से। दुकानदार से? महर, क्या आपको उस दुकानदार ने अलग से बुला के ये राखी दिखाई थी? मेरे पास एक खास राखी है। हाँ, दादी ने कहा था वो राखी बहुत ही खास है और वो थी भी। लेकिन भटकाती परी, आप इतने चिंतित क्यों हैं और मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि महर, जिसने आपको ये राखी दी वो अवश्य प्रचंडिका ही होगी, और अगर ऐसी बात है तो बालवीर की जान खतरे में हो सकती है। रानी परी की ये चिंता सही थी।